देश भर में आज ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सुबह ईद की नमाज अदा कर लोगों से गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया। हालांकि इस मौके पर सुरक्षा के भी इंतजाम देखने को मिले। आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने विधायक मुकेश अहलावत को टोपी पटका और माला पहनाकर स्वागत किया। पिछले 2 सालों से कोरोना संकट के बीच बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस बार कोरोना का प्रकोप नहीं है तो बकरीद के त्यौहार को लेकर लोग में जबरदस्त उत्साह है। कुर्बानी के त्यौहार ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समाज ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर नमाज के बाद देश में अमन और चैन की दुआ करी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नमाज अदा करी गई। उसके बाद जो है जो दुआ है अमन और शांति और चैन की, इसके लेकर भी लोगों ने दुआ करी। साथ ही साथ देखिए कुर्बानी को लेकर किस तरीके से, क्योंकि आज बकरा ईद है, बकरा ईद को लेकर जो कुर्बानी दी जाएगी और वो उसके साथ साथ देखिए किस तरीके से एक दूसरे को गले मिलकर यहाँ पर जो है ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विधायक जो कि विधायक हैं आम आदमी पार्टी के मुकेश अहलावत, उनको भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से ईद के मौके पर सम्मान दिया गया है। और साथ ही साथ जो मौका है, क्योंकि ईद का मौका है और भाईचारा भी दिखाना है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जहाँ एक तरफ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोगों ने देशवासियों को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है आर सोनी न्यूज़ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बकरा ईद का जो त्यौहार है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है देश भर में मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं जहाँ पर इस त्यौहार को देखिए किस तरीके से मनाया जा रहा है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ प्रिया तिवारी की रिपोर्ट। मैं ये कहूँगा कि सभी को, पहले तो सभी भारतवासियों को, खासकर मेरी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में सभी भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। साथ में मेरी विधानसभा में सब मिलजुल के रहते हैं, मैं चाहूँगा आगे भी ऐसे ही मिलजुल के रहें, सारे प्यार से रहें, सभी इंसान हैं, सब मिलजुल के रहें और आज शांति से ईद भी बन जाए। दो साल से कोरोना का बहुत चल रहा था, दो साल बाद कोरोना टल चुका है तो उसके लेके भी लोगों को गुस्सा है। हाँ ये तो है ही, कोरोना ने तो सबकी कमर तोड़ दी थी, एक तरीके से कोई निकल नहीं पा रहा था, सारे त्यौहार बंद हो गए थे, कोई सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब सब निकल रहे हैं, फिर से वही दिन आ रहे हैं। कोरोना ने तो काफ़ी पैसे का भी नुकसान किया, इंसानों का भी नुकसान किया।